वन आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का मैथ चैप्टर नंबर फोर टिक 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 मतलब हमारा कौन क्लॉक हमारी टिक 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 किसकी आवाज़ आती है क्लॉक की सोमोनी एंड इसका हम क्या कहेंगे स्टार सी से आ रही है इसकी और इससे हम क्या कहेंगे ब्रदर ब्रदर एंड सिस्टर डिस्कस ब्रदर एंड सिस्टर जो है डिस्कस कर रहे हैं दोनों चाचा चाचा की लड़कियाँ हैं ओके एक चाचा की लड़का एक चाची की लड़की हु इज अ फोर्थ होम इज बैड किसका स्कूल ज़्यादा दूर है आई टॉक इट 5 मिनट मैं वॉक करता हूँ 5 मिनट और मैं स्कूल बहुत जाता हूँ आई जस्ट इज 2 मिनट वॉक मैं 2 मिनट वॉक करता हूँ और मैं स्कूल पहुँच जाती हूँ ओके इटली स्कूल पहुँच जाती है तो मिनट का वॉक करना पड़ता है का वॉक करना पड़ता है इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता योर होम इज फादर फ्रॉम स्कूल तुम्हारा तो घर जो है वो दूर है स्कूल से मुझसे ज्यादा दूर है मेरे घर से ज्यादा इसका मतलब मैं 7:02 पे पहुंच गई ये गलत है टाइम देखना अगर आपको टाइम देखना नहीं आता हो तो अब हम देखेंगे टाइम कैसे सी किया जाता है ओके तो उसमें वो थी कहाँ पे पहुँची थी 2 पे ना पहुँची थी मतलब कि हमारा टाइम कितना हो रहा है 7:10 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना टाइम हो गया है हमारा 7:10 जिसने आपको बताया 1, 2, 4, 5 5 पॉइंट्स होते हैं इसमें इसको मिला के हमारा 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 और हमारा एक और तरीका भी होता है जो 2 है उसको हम 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा तो भी 10 आएगा हम 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं और सबसे सिंपल तरीका मल्टीप्लाई वाला होता है वॉच को देखने का और जिसमें था वो कितने पे पहुँचता था 2 पे ओके पहुँच जा रहा था तो कितने बजे वो पहुँचा 7:05 ओके इसको आप मल्टीप्लाई करें आप देखते हैं मल्टीप्लाई करके तो ये 1 टाइम तो 5 आ गया 1 टाइम 2 5 हमें क्या करना पड़ता है 5 के टेबल को पढ़ना पड़ता है तो ये कितना बज रहा है आप देखो बताइएगा दिस इज अ व्हाट वी डू टू यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या हो जाते हैं कंफ्यूज तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है ओके क्या नहीं है कंफ्यूज होने की कोई भी हैंड नहीं है पावर हैंड हमारा कौन सा है अब आपको बताना है हैंड जो होगा हावर हैंड तो कौन सा पहले हम ये देख लेते हैं हावर हैंड स्मॉल वाला होता है एंड लिटिल बिग वाला क्या होता है मिनट हैंड देखिए हम आवर हैंड पर पॉइंट लगाते हैं तो आवर हैंड हिलने लगेगा ऑटोमेटिकली ओके देखिए ठीक है आवर हैंड हिल गया ऑफ कर देते हैं और मिनट हैंड गायब जो गायब हो गया वो हमारा मिनट हैंड था डार्क मिनट ठीक है तो ये हमारी वॉच वैसे ज़्यादातर वॉचों में 0:05 वैसे आते हैं लगते हैं टाइम और ज़्यादातर वॉचों में नहीं भी आते हैं तो इन वॉचों को हम क्या कहते हैं प्रूवल इस ओके ये हमारा कितना हो रहा है टाइम हाउ टू राउंड टू टाइम कितना टाइम हो रहा है 7 ये हमारा क्या हो रहा है 7:30 ओके बिकॉज दिस इज मिडल में है ये बिकॉज दिस इज मिडल तो हमारे क्या हो रहा है 7 की टेबल पढ़ो नहीं 6 को मल्टीप्लाई करो 5 की टेबल पढ़ो 6 टाइम कितना आ गया 30 ओके आ गया ना हमारा 30 आंसर तो यही था हमारा आंसर्स ओके
यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है 7:30। अब बताइए ये कितना टाइम हो रहा है, ये इवनिंग के हो रहा है या फिर नॉर्थ नाइट के हो रहा है बताइएगा। ओके हाँ बताइए अभी कितना बज रहा है। व्हाट वी डू 6 1 1 को क्या कर देना है मल्टीप्लाई 5 से, तो का हमारा आंसर आ जाएगा 5, मतलब कि 6 o'clock एंड 5 minutes। ओके इसको तो हमने बहुत देखना सीख लिया, अब हम चैप्टर को पूरे अच्छे से समझ लेते हैं। ओके ओके चलिए चैप्टर पर चलते हैं। तो हमने क्या कर लिया, अब क्लॉक को देखना सीख गए। बताइए टाइम सही है, 7:02 हो रहा है इस टाइम में। ऑब्वियसली नो, और आप अभी भी क्लॉक देखना नहीं सीखे हो तो रिवाइंड करिए वीडियो को, पीछे करके देखिए वीडियो को। ओके यू आर रॉन्ग, ये बोल रहा है तुम रॉन्ग हो, तुम गलत हो, ही चाह यू टाइम, तुम 7:10 पर पहुँचिए, मतलब 7:10 पे। हाउ कैसे आई यू कैन सी द वॉच, तुम वॉच को देख रहे हो, तो दिस लाइन जो आपको छोटी छोटी लाइन दिखती होगी वॉच में, जो मैंने बताई बिटवीन अ नंबर, इनमें एक नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 होते हैं। यस यस सो दैट, हाँ हाँ है, बट मैं क्या बोलूँ इसमें, फिर पूछती है तो फिर ये बोलता है द मिनट हैंड, जो मिनट हैंड होता है, जो बड़े वाला हैंड होता है वो मिनट हैंड, तो क्रॉस द ब्रिज, जो क्रॉस करता है इनको लाइंस को, लाइंस 10 lines आफ्टर उसने क्रॉस कर ली तो 7 आ गया। वी आई एम स्टार्टिंग वॉचिंग, मैंने 7:30 पर स्टार्ट वॉचिंग की थी, एंड आई एम फिर आई मैंने कितने पर वॉचिंग जो थी, मैंने 5 पे मेरी वॉचिंग फिनिश हुई, मतलब कि 7:05 पे हो गया। ईच अ टाइम, टाइम देखिए, प्रैक्टिस टाइम, दीज 3 फ्रेंड्स रीड अ मोर राइट टाइम, अब ये तीनों टाइम जो है इन बताना है इन लोगों को कितना टाइम हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है हमारे लिए, ये कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 3:30। अब हमें बताना है कौन सा किसका सही है, चिट्टू का गलत है, मिंगू का गलत है, 3:30 इसका सही। ओके 3 o'clock हो रहा है, मतलब कि 3 बज रहे हैं। ओके दोपहर के 3 बज रहे हैं, 7 o'clock 5 7 7, मतलब कि ये कितना हो रहा है 7 से 5, तो ये कितना बोल रहे हैं 5, मतलब 5 हो रहा है या हमारा बीच में है, तो 5:35 हो रहा है, मतलब इस टाइम भी पिंकी सही है। और फिर आप सेवन हमारा कितना है 7:50 है, क्यों होगा जब हमारा 2 पे 10 हो रहा था, 10 2 plus 3 2:50, यस तो इस टाइम भी पिंकी इज राइट, पिंकी तीनों टाइम राइट हो गई। तो आपको अब क्या करना है, टिक लगा देना ऐसे मैप्स को, ऐसे 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 स्केच से नहीं पेंसिल से, ओके ओके ऐसे ऐसे कट लगा देना है, जिससे आपकी बुक की एक्सरसाइज फिल भी हो रही। ओके लगा लीजिएगा, देख लीजिए सब पे टिक टिक है, सब पे रॉन्ग रॉन्ग टिक टिक है, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे बना दीजिएगा रॉन्ग। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या करना है इनमें जो होता है इनके जो एरिया सोर्स होते हैं, मतलब ये जो आपको ये दिख रहा है एरिया सोर्स, मतलब ये बताइए कितना हो रहा होगा टाइम, टू सी अ टाइम पहले आपको टाइम देखना है, और फिर आपको ये जो होते हैं मार्क करना है इन पे कि कौन किस पे जाएगा, मतलब कि आपको काटे बनाने हैं। ओके 3 बज के यहाँ पे हमारा छोटा वाला, और 10 हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमारा बिग वाला,
ओके मेरा यहाँ पे जूम्स अच्छे से नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे 6 छोटा वाला, ये छोटा हो गए, ये इतना छोटा बना लिए। अब क्लॉक से बाहर नहीं होना चाहिए। ओके ओके मैं एक ही करके आपको बता देती हूँ, बट आपको ये एक्सरसाइज तुरंत ही फिल करना है। पेंसिल लीजिए और फिल करते जाइए। ओके 6 पे हमने पहन लिया, 3 पे हमारा छोटा वाला एंड 10 पे हमारा बिग वाला। ओके एंड दिस इज टाइम ऑफ लीव, ये कितना टाइम हो रहा है, दिस इज टाइम शुड बी बताइए, दिस इज टाइम 2:30 एंड 40 मल्टीप्लाई करिए कितने पे आएगा, 8 पे। ओके आएगा 8 पे, तो मार्क कर लीजिए ऐसे ही, आपको वन मार्क कर लेना है। ओके चलिए नेक्स्ट है ये 475 हो रहा है हमारा, 445। ओके चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। 4 हमारा कहाँ पे आएगा, 4 हमारा छोटा, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है 4, बट यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 गैस छोड़ देते हैं, रोमांस नंबर्स ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं बहुत सारी वॉचों में, और कुछ वॉचों में ये 3 बना हमारा, तो इसके बाद 4 ही आएगा। ओके एंड 45 मतलब कि हमारे 9 पे बड़ा वाला काटा होना चाहिए। ओके ओके चलिए अब हम नेक्स्ट वॉच देखते हैं। ये जो नेक्स्ट वॉच है इसमें हमारा टाइम हो रहा है 2 को हमें छोटी बना देना है एंड 20 को हमें बिग बना देना है, मतलब कि ये हो रहा है हमारा टाइम अभी इस क्लॉक में 2:20। ओके और यहाँ पे हो रहा है 3:31 पे हमें छोटा वाला एंड 30 मतलब कोई 50 इसी के ऊपर हमें बड़ा और छोटा करना होगा, मतलब ये हो गया बड़ा वाला, ये हो गया छोटा वाला। ओके एंड 7:35 हमारा यहाँ पे आएगा, सॉरी 7 हमारा ये आ गया एंड 35 हमारा कहाँ पे आता है, यहीं पे, तो बड़ा वाला यहाँ पे और छोटा वाला यहाँ पे। ओके ऐसे होगा हमारा वो दोनों। डू यू लाइक स्किक बोर्ड, आपको जो वॉच होती है वो पसंद है, उससे होगी होंगी, हर एक को होती है वॉचेस पसंद, थिंक थॉट। यू डोंट नॉट लाइक अ वॉच, तो आपको वॉच लाइक है तो आप लिख देनी है, नहीं है तो नहीं रख दीजिएगा। यस इफ यू शुड वन वॉच इंटरनेट, मुझे वॉच है पसंद। सनसेट ये कितना हो रहा है, हमारा सनसेट कितने बजे होता है, हमारा सनसेट होता है कितने बजे, उस वो प्लेस आपकी प्लेस पे कितने बजे होता है सनसेट, आई डोंट। तो यहाँ पे हमें पहले छोटा वाला आर यहाँ पे बना देना है एंड बड़ा वाला आर हमें 12 पे कर देना है, मतलब कि 6:30। ओके अब आपको लिखना है सनसेट कितने पे होता है योर सेल्फ। अब मैं बार बना देती हूँ, ये बड़ा वाला काटा है, रुकिए अब आपको लिख देना है, मैं अगले चैप्टर में आपको लास्ट में बताऊँगी इसका आंसर सोल्यूशन, और आपको कमेंट्स में लिखना है कि आपका आंसर सही था या रॉन्ग था, तो आपको क्या करना है टाइम टू टाइम देखना है और फिर देखना है आपका टाइम सही भी था या रॉन्ग था। ओके यू डू टू सी। ओके कितना बज रहा है आपको लिख देना है यहाँ पे, आई नो मुझे पता है बट आपकों के लिए। डू यू सनसेट इन अर्ली डे, हर टाइम सनसेट में होता है सेम ही टाइम पे होता, नो आएगा हमारा आंसर, आंसर विल बी नो। व्हाई, सर ठंडों के टाइम हमारा सनसेट शुरू में हो जाता है और न्यूज पेपर हमारी ठंड गर्मियों का टाइम हमारे लेट होता है सनसेट। ओके लुक एट दिस न्यूज़ पेपर एंड सी टाइम ऑफ सनसेट एंड सनसेट डिफरेंट मंथ, आपको जो न्यूज़ पेपर देखना है डिफरेंट मंथ का पता लगाना है, अब कितने टाइम सनसेट होता है कितने टाइम सनसेट
मतलब कितने टाइम सूरज उगता है और जाता है। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। अब ये पिक्चर है वो देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, पिक्चर देखिए एट अ पिक्चर। ये कितने बजे खींची गई है पिक्चर? तो मेरे हिसाब से ऐसे पिक्चर ये बताइए किस टाइम पे और कहाँ की है? ये फ़ोटो तो पेरिस की है इतना मुझे पता है, क्योंकि पेरिस में ये टावर होता है इतना बड़ा, पेरिस में ये लंबा वायर होगा। बट ये जो फ़ोटो होगी सनसेट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे 6:30 हो रहे होंगे, 6:30 पे हमारे इतना ही उजला हो जाता है। ओके, चलिए, दिस फोटो वॉज आ टेक पेरिस, ये जो फोटो है पेरिस से खींची गई है, फ्रांस के इन द पेरिस, पेरिस में सनसेट, सनसेट के बाद फॉर 9 o'clock एट अ 9 o'clock, वाओ, मतलब 9 o'clock हो रहे हैं यहाँ पे रात के, और तो भी यहाँ पे इतनी रोशनी है और धू नाइट्स, वो भी गर्मियों में। दिस पिक्चर टेक इट नाइट में पिक्चर खींची गई। व्हाट इज विंटर इज कम, बट विंटर जो था कम होने वाला था, डार्क हेयर, वहाँ पर बहुत सारा डार्क हो जाता है, वहाँ पे 4 o'clock डार्क होता है इन द ईयर शाम को। व्हाट फाइंड आउट करना है आपको, और फाइंड आउट ये टाइम कितना हो रहा है आप ही को निकालना है। आई डू नॉट ओके, ये जो टाइम्स है आपका लंच ब्रेक कितने पे होता है, आपका गेम कब आपका पीरियड होता है, और आप सेम पीरियड्स होते हैं कि आपके हर एक, और गेम की आप लेंच गेम एंड लेंच शॉर्ट होते हैं वेरी, हाँ यस बहुत शॉर्ट शॉर्ट होते हैं। एंड आपको अब क्या करना है, 1 किलो दूध ओट के देखना है कितना टाइम उसमें लगता है ओटने में, और वन एक बास्केट भर के देखनी, और एक स्वीपर मतलब कि स्वीप योर होम, अपने होम को झाड़ू लगा के देखना है कितना टाइम लगता है। एक्टिविटी करिए, फिंगर जंप करिए 1 मिनट तक, और फिर देखिए आपने कितनी बार चुटकी बजाई अपनी उंगली से, और फिर चेक करिए आपने कितनी बार चुटकी बजा ली 1 मिनट में। चलिए हम बजाते हैं। ओके, टाइम इज अभी हो रहा है हमारा 35:38, ये भी हो जाएगा 39, तो हमारा टाइम ओवर हो जाएगा। ओके, अभी नहीं 39 से हम स्टार्ट करेंगे, तो हम देखेंगे हम कितनी चुटकी बजा सकेंगे। ओके, जब तक हमें होल भी करना है, होलिंग स्किप भी करना है, जंपिंग भी करना है। ओके, एंड जो आपको करना हो डू योर सेल्फ, ये एक्टिविटी आपको अपने सेल्फ करनी है, बट मैं आपको करके बता देती हूँ। तो ये टाइम जो है ओवर होने वाला होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, तो मैंने बताया पूरी 50 टाइम लगा ली, बट वी डू 100 टाइम। आप कितने टाइम लगा पाएंगे कमेंट में जरूर लिखना, और स्टैंडिंग करना है। अब यही सब आपको चैलेंज दी गए, बस और कुछ ज़्यादा नहीं है, या आप खुद भी कर सकते हैं अपने सेल्फ पे। ये एक रेनी की डायरी है, कि वो उसकी बेबी सिस्टर हुई है जिससे उसके दोस्त मिलने आया है, और वो टॉक कर रही है, और वो देख रही है कि ये कब ग्रो होगी, हम जब हम इसको खाना खिला पाएंगे। फिर उसने एक डायरी लिखी, कब उसने खाना स्टार्ट किया, कब उसने बर्क खेना, कब उसने दूध पिया, कब उसने मैंगो का वाइट खाया, कब उसने बाथिंग की, और कब उसका पहला टीथ आया। ओके, डॉग की भी उसने एक डायरी बनाई है। फिर उसने एक चीटी और 14 साल ईयर ओल्ड की और रानी ग्रैंडवादर की एंड चुटकी रैबिट है, एंड इन सब की हमने जो डायरी उसने लिखी है। तो और यहाँ पे जो है हमारा इसी क्विज पे चैप्टर जो होता है, जो चैप्टर होता है हमारा, वो इसी टाइम इसी क्विज पे क्या होता है फिनिश हो जाता है। चैप्टर को हमने अच्छे से समझा और समझ
आपका यहाँ पे चैप्टर फिनिश। थैंक यू ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर।